समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता द्वितीयोऽध्यायः देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, वो प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है, क्योंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अशंभावी है, चाहे वो शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वो अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वो नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेख हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वो धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा। जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्माओं के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें शर कहा जाता है, अर्थात उन्हें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वो श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा में प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहार किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वो व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है। वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ स्तर ना हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में ये मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है। जो पद में माया द्वारा विस्मित अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है,